नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग कैरियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है स्प्लिंट बैंडेज एंड ड्रेसिंग। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्लिंट, दूसरा है इंडिकेशन ऑफ स्प्लिंट, तीसरा है यूज ऑफ स्प्लिंट, चौथा है जनरल प्रिंसिपल। हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बैंडेज, जिसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ बैंडेज, यूज ऑफ बैंडेज, टाइप्स ऑफ बैंडेज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ड्रेसिंग, जिसमें हम पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेसिंग, दूसरा है यूजेज ऑफ ड्रेसिंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिंट के बारे में कि स्प्लिंट क्या होता है। स्प्लिंट मेटल प्लास्टर या प्लास्टिक से बने पैडिंग के साथ एक रिजिड सपोर्ट होता है। इसका उपयोग बॉडी के किसी इंजर्ड या स्वेलिंग वाले हिस्से को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है या इमोबिलाइज करने के लिए भी किया जाता है। स्प्लिंट को एक इलास्टिक बैंडेज या ACE रेप के साथ सिक्योर किया जाता है। स्प्लिंट का उद्देश्य इंजर्ड एक्सट्रीमिटी को मूवमेंट से रोकना है, जो फर्दर इंजरी को रोकने और पेन को कम करने में मदद करता है। स्प्लिंट के इंडिकेशंस में है फ्रैक्चर, स्प्रेन, जॉइंट इन्फेक्शन, टेनोसाइनोवाइटिस, एक्यूट अर्थराइटिस या गाउट, लेसिरेशन ओवर जॉइंट्स, पंचर वुंड और हैंड या फीट पर एनिमल बाइट्स। कॉन्ट्रैक्चर को कम करने या रोकने के लिए, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लिगामेंटस इंजरी में जॉइंट को स्थिर करना और स्टेबलाइज करने के लिए, डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, जब तक हीलिंग नहीं हो तब तक जॉइंट और लिम्स को पोस्ट ऑपरेटिवली सपोर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए। यूजेज ऑफ स्प्लिंट, बॉडी के फ्रैक्चर पार्ट को स्थिर करना, इंजर्ड पार्ट को स्थिर करने के लिए एथलेटिक ट्रेनर द्वारा उपयोग किया जाता है। आमतौर पर स्प्लिंट के उपयोग, पहला है शुगर टोंग, फोरआर्म और रिस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा स्प्लिंट है अल्नर गटर, फोरआर्म और पाम के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है वोलर रिस्ट स्प्लिंट, रिस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। थंब स्पाइकिया, थंब के लिए उपयोग किया जाता है। फिंगर स्प्लिंट, फिंगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंकल स्प्लिंट, एंकल के लिए प्रयोग किया जाता है। जनरल प्रिंसिपल है इसके, ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट से पहले लॉन्ग बोन के सभी फ्रैक्चर को स्प्लिंट किया जाना चाहिए। एक स्प्लिंट लगाने को जॉइंट को फ्रैक्चर के ऊपर और जॉइंट को फ्रैक्चर के नीचे रखते हैं। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इंडिकेशंस ऑफ स्प्लिंट इंक्लूड, पहला है फ्रैक्चर, दूसरा है स्प्रेन, तीसरा है जॉइंट इन्फेक्शन, चौथा है ऑल ऑफ अबाउ। आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। अब हम पढ़ेंगे बैंडेज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैंडेज के बारे में। बैंडेज एक ऐसा मटेरियल है जिसका उपयोग मेडिकल डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे ड्रेसिंग और स्प्लिंट को सपोर्ट करने या बॉडी पार्ट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ड्रेसिंग के साथ सीधे वुंड पर इसे लगाया जाता है। वुंड को होल्ड करने के लिए ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। यूजेज ऑफ बैंडेज, ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए बैंडेज का उपयोग किया जाता है। ब्लीडिंग साइट पर प्रेशर बनाने और ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एक इंजर्ड पार्ट में स्प्लिंट को सिक्योर करने के लिए, इंजर्ड पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए बैंडेज का उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंडेज, पहला टाइप है गोज बैंडेज। बैंडेज का सबसे कॉमन टाइप है गोज बैंडेज। अडहेरिंग वुंड को रोकने के लिए एब्जॉर्प्शन बैरियर के साथ सिंपल वूवन स्ट्रिम के मटेरियल से बना होता है। एक गोज बैंडेज विभिन्न प्रकार की विड्थ में आ सकती है। लेंथ का उपयोग
ड्रेसिंग सहित लगभग किसी भी बैंडेज एप्लीकेशन में किया जा सकता है। सेकंड टाइप है कंप्रेशन बैंडेज। इसमें फर्स्ट ए टाइप है शॉर्ट स्ट्रेच कंप्रेशन बैंडेज। इसे लिंब पर अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार की बैंडेज एक्टिविटी के दौरान प्रेशर में वृद्धि नहीं करने के लिए एप्लीकेशन एंड होने के बाद लिंब के चारों ओर छोटा करने में एप्लीकेबल होता है। बी है लॉन्ग स्ट्रेच कंप्रेशन बैंडेज। एक लॉन्ग स्ट्रेच प्रॉपरली मीनिंग है कि हाई कंप्रेसिबल पावर होता है। इसे रात में या आराम के समय रिमूव कर सकते हैं। सी टाइप है ट्रायंगुलर बैंडेज। एक ट्रायंगुलर बैंडेज कपड़े का एक टुकड़ा है जिसे एक राइट एंगल ट्रायंगुलर में पुट करते हैं, जो अक्सर प्लेस में सुरक्षित करने के लिए एक सेफ्टी पिन प्रदान करता है। नेक्स्ट डी टाइप है अदर टाइप्स ऑफ बैंडेज। इसमें फर्स्ट है ट्रायंगल ऑफ फोरहेड एंड स्काल्प। फोरहेड या स्काल्प पर ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड है ट्रायंगुलर ऑफ आर्म स्लिंग। हैंड या स्काल्प और फोरआर्म के फ्रैक्चर या इंजरीज को सपोर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। थर्ड है ट्रायंगुलर ऑफ चेस्ट एंड बैक। चेस्ट और बैक के ड्रेसिंग और वुंड को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। फोर्थ है क्रेवेट ऑफ जो। इसका उपयोग चिन और स्काल्प पर ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए किया जाता है ताकि फ्रैक्चर को इम्मोबिलाइज किया जा सके। हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है शॉर्ट स्ट्रेच कंप्रेशन बैंडेज आर अप्लाइड ऑन। ऑप्शन है लिंब, शोल्डर, हेड, ऑल ऑफ अबव। आंसर है लिंब। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें ड्रेसिंग। हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। ड्रेसिंग एक स्टेराइल पैड है जो वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए कंप्रेशन प्रदान करता है। यह वुंड को कवर करने के लिए मेडिकली रूप से उपयोग किया जाता है ताकि इन्फेक्शन फ्री हो और अधिक आसान हो सके। ड्रेसिंग वुंड पर डायरेक्टली अप्लाई होती है। यूजेज, पर्पस और यूजेज में देखते हैं। ए पॉइंट है स्टॉप ब्लीडिंग। यह ब्लीडिंग साइट को सील करने में मदद करता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। बी है एब्जॉर्ब पस। इसका उपयोग ब्लड पस को सोखने के लिए किया जाता है जो वुंड पर एविडेंस के रूप में होती है। सी है प्रोटेक्शन। डी पॉइंट है प्रमोट हीलिंग। यह टिश्यू के ग्रेनुलेशन के माध्यम से योगदान देता है ताकि हीलिंग को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है स्टॉप ब्लीडिंग, एब्जॉर्ब पस, प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ अबव। आंसर है ऑल ऑफ अबव। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।